सीतामढ़ी पुलिस थाना अंतर्गत कर्ज देने के नाम पर लिए गए फिरियादी के दस्तावेज और चेक का गैर वापर के कैशियर की मिली भगत से बैंक के खाते से बैंक से करीब 1,36,000 रुपए निकाल कर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार प्लॉट नंबर B18 सूरज गृह निर्माण संस्था जयंती नगर 3 मनीष नगर निवासी फिरियादी अमित गवानकर को आरोपी सुभाष गुप्ता, अंकित जायसवाल, एमजी साजिद, संजय गुप्ता नामक व्यक्तियों तथा बैंक से राशि निकालने पहुंचे एक अज्ञात व्यक्ति ने मिलकर फिरियादी को फोन किया और कर्ज देने के लिए दस्तावेजों व चेक की मांग की, जिसका गैर तरीके से इस्तेमाल कर इंसलैंड बैंक से 1,36,500 रुपए की राशि निकालने के लिए संजय गुप्ता नामक आरोपी ने अपना मोबाइल सीतामढ़ी स्वामी प्लाजा 97 ईस्ट हाईकोर्ट रोड रामदास पेट इंडसलैंड बैंक में बैंक के कैशियर पंकज साहू और सहयोगी माधुरी धोटे को दिया और फिरियादी के बोलने का दर्शाकर बैंक से 1,36,000 की राशि निकाल ली। इस सारे मामले में बैंक के कैशियर भी शामिल है। दोनों ने चेक व आधार कार्ड की बजाय जांच के यह राशि सौंप कर धोखाधड़ी करने में मदद की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भानवी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बर्डी पुलिस स्टेशन येथे फसवणुकीचा एक गुन्हा दाखल केलेला आहे। आम्ही याच्यामध्ये फिरियादी जे आहेत हे व्यवसायाने इंटीरियर डेकोरेटर आहेत। इंडसइंड बँकमध्ये त्यांचं अकाउंट असून त्याच्यामध्ये एक प्रपोजल लोनचं हप्ता कट होत होता, त्या दरम्यान याच्यातले काही आरोपी आहेत। या आरोपींनी त्यांना ॲडिशनल लोन देण्यासाठी म्हणून त्यांच्याकडनं काही डॉक्युमेंट्स वगैरे घेतली आणि ॲडिशनल लोन देतो असं सांगितलं। ही डॉक्युमेंट जमा केली त्यांनी, त्यासोबत एक कॅन्सल चेक पण त्यांनी त्यांच्या बँकेचा त्याच्यामध्ये सबमिट केला होता। काही दिवसांनी याच्यातले जे आरोपी आहेत त्या आरोपींनी तो जो कॅन्सल चेक होता तो बेरर चेक बनवून त्यावर स्वतःचं नाव टाकलं आणि त्याच्यामध्ये 1,36,500 रुपयाची अमाऊंट टाकली, बँकेमध्ये प्रोड्यूस केला। बँकेमध्ये प्रोड्यूस केल्यानंतर बँक अधिकाऱ्यांनी जे व्हेरिफिकेशन करायला पाहिजे होतं ते व्हेरिफिकेशन न करता त्या जो आरोपी आहे त्याला बँकेतनं फिरियादीच्या बँकेतनं 1,36,500 रुपये अमाऊंट विड्रॉ करून दिली आणि अशा प्रकारे फिरियादीची फसवणूक झाली आहे, त्याबद्दल आम्ही गुन्हा दाखल केला। कॅमेरा पर्सन मायकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपूर।